हेलो एवरीवन वेलकम टू क्लास नंबर टू ऑफ चैप्टर प्रोग्रामिंग सी तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था लैंग्वेज क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में हमने पढ़ा था जैसे कि मशीन लेवल लैंग्वेज असेंबली लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था तो वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ते वक्त हमने ये पढ़ा था कि कंप्यूटर किस तरह का लैंग्वेज समझ पाता है मशीन लेवल लैंग्वेज पर हम किस तरह का लैंग्वेज समझ पाते हैं तो हाई लेवल क्या बोलते थे कंपाइलर या फिर इंटरप्रिटर वैसे ही अगर असेंबली लेवल लैंग्वेज यूज करके अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो कंप्यूटर तो असेंबली लेवल लैंग्वेज नहीं समझ पाता तो असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए वहां पे हम यूज करते थे जिस तरह का ट्रांसलेटर उस तरह के ट्रांसलेटर को हम बोलते थे असेंबलर तो आज हम पढ़ेंगे वैसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसलेटर के बारे में कि डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसलेटर्स क्या है इसको हम क्यों यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम में ओके okay, तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन जैसे कि पहले हमें जानना पड़ेगा कि लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है लैंग्वेज प्रोसेसर या फिर ट्रांसलेटर हम किसको बोलते हैं ओके okay, जो लैंग्वेज प्रोसेसर या फिर ट्रांसलेटर है ये एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जैसे कि हम कंप्यूटर जो यूज करते हैं कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी फॉर्म में ही सब कुछ समझ पाता है मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज में ही सब कुछ समझ पाता है ओके okay, तो जो में सब कुछ समझ पाता है, पर हम लोग करके को नहीं कर लैंग्वेज यूज करके कंप्यूटर को प्रोग्राम प्रोवाइड करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है तो इसीलिए हम यूज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को और हाई लेवल लैंग्वेज यूज करके हम प्रोग्राम लिखते हैं पर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम कंप्यूटर को तो समझ नहीं आएगा तो वहां पे में में लिखा गया प्रोग्राम को 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 मशीन ट्रांसलेट करने के के लिए हम हम पे यूज़ करते हैं हैं जिस तरह बोलते language processor या फिर ट्रांसलेटर प्रोसेसर और ट्रांसलेटर आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर ये एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको हम क्यों यूज करते हैं यूज्ड टू ट्रांसलेट प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इन मशीन लेवल लैंग्वेज अगर हमने कोई प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है उसको अगर हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करना चाहते हैं कंप्यूटर तो हाई लेवल समझ नहीं पाएगा तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए या फिर असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर को उस तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं क्या उस तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं लैंग्वेज तो तो okay. so हम करते करते हैं, हैं, जैसे जैसे कि 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 ऐसे में में हमने हमने के बारे पढ़ा पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था कि computer समझ पाता है लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज तो अगर हम कोई भी प्रोग्राम लिखें, उस प्रोग्राम को हम कोई भी लैंग्वेज यूज करके लिखें अगर हम उसको कंप्यूटर को प्रोवाइड करके कंप्यूटर से कुछ टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो उसको हमें कंप्यूटर को किस फॉर्म में प्रोवाइड करना पड़ेगा लो लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में मतलब हमेशा हमें लो लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में ही कंप्यूटर को प्रोवाइड करना पड़ेगा चाहे वो मैं असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखूं या फिर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखूं मुझे अगर कंप्यूटर को उसको परफॉर्म करने के लिए उस प्रोग्राम को प्रोवाइड करना है तो उसको मुझे ट्रांसलेट करना पड़ेगा लो लेवल लैंग्वेज में तब तो जाके कंप्यूटर उसको यूज करके क्या कर पाएगा टास्क या फिर ऑपरेशन

ओके okay, तो फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसलेटर इज असेंबलर तो ये एक कैसा ट्रांसलेटर है या फिर कैसा लैंग्वेज प्रोसेसर है ए लैंग्वेज प्रोसेसर व्हिच ट्रांसलेट्स ए प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लेवल लैंग्वेज असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम को कंप्यूटर तो समझ नहीं पाएगा अगर वही प्रोग्राम को अगर हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि कंप्यूटर उस प्रोग्राम को समझ पाए और समझ के उसको

मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए पूरा टोटल तो प्रोग्राम, प्रोग्राम को एक ही बार में हम यूज करते हैं जिस तरह के लैंग्वेज प्रोसेसर को उस तरह के लैंग्वेज प्रोसेसर को हम बोलते हैं कंपाइलर कंपाइलर तो हाई लेवल लेवल लैंग्वेज लैंग्वेज में 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 लिखा गया प्रोग्राम प्रोग्राम को को पूरा टोटल एक ही बार मशीन ट्रांसलेट कर देता है तो पूरा टोटल में एक बार में ट्रांसलेट करने के बाद उसमें जितना एरर्स हैं सारे एरर्स को वो चेक करके हमें एक बार में ही क्या करता है हमारे प्रोग्राम में बता देता है कि आपके प्रोग्राम में ये एरर्स हैं ओके okay. तो अभी आते हैं और एक तरह के ट्रांसलेटर या फिर एक ही बार में क्या करता है मशीन लेवल लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है और जितने भी एरर्स है सारे एरर्स को एक बार में हमें प्रोवाइड कर देता है पर अगर हम इंटरप्रेटर लैंग्वेज प्रोसेसर को यूज करके हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो यहां पे जो लैंग्वेज प्रोसेसर है वो क्या करता है लाइन बाय लाइन एक एक लाइन को क्या करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है और लाइन बाय लाइन एरर चेक करके हमें प्रोवाइड करता है अगर लाइन बाय लाइन कुछ एरर है तो ओके okay, तो समझ आ गया कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही एक एक तरह के ऐसे लैंग्वेज प्रोसेसर हैं जिनको हम मेनली यूज करते हैं क्यों हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए पर दोनों के बीच मेन डिफरेंस ये है कि कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम मतलब एक ऐसा लैंग्वेज प्रोसेसर है जो कि टोटल प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है और टोटल जितना एरर्स हैं सारे एरर्स को एक बार में हमें चेक करके प्रोवाइड करता है पर इंटरप्रिटर जो है वो लाइन बाय लाइन क्या करता है लाइन बाय लाइन टोटल एक प्रोग्राम सपोज दस लाइन का है तो लाइन बाय लाइन वो क्या करता है हर एक लाइन को इंडिविजुअली लाइन बाय लाइन वो ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में और एरर भी चेक करता है कैसे लाइन बाय लाइन Okay. तो जबकि हम ये पढ़े कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों एक एक तरह के ऐसे लैंग्वेज प्रोसेसर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया टोटल प्रोग्राम को तो तो पूरा एंटायर प्रोग्राम को एक बार में ही मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है पर इंटरप्रिटर एक ऐसा लैंग्वेज प्रोसेसर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम को

और क्या डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच कि अगर हम कंपाइलर यूज करके कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम को

तो कंपाइलर के द्वारा जो मशीन कोड जनरेट होता है उस मशीन कोड को वो कंप्यूटर में पर्मनेंटली सेव करके रखता है ताकि हम फ्यूचर में अगर कभी चाहें, तो उस मशीन कोड को यूज कर सकते हैं पर इंटरप्रिटर यूज करके अगर हम कोई हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट करते हैं या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारे कंप्यूटर में पर्मानेंटली सेव नहीं करता ओके okay, वो सिर्फ ट्रांसलेट कर देता है और जब हम उसको यूज़ करते हैं बस तभी काम में आता है और बाद में अगर हम उसको यूज करना चाहें तो यूज नहीं कर सकते बाद में हमें उसको फिर से इंटरप्रेटर के द्वारा क्या करना पड़ेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ेगा पर कंपाइलर यूज करके अगर हम एक हाई लेवल लेवल लैंग्वेज लैंग्वेज में में लिखा गया प्रोग्राम को, प्रोग्राम को मशीन ट्रांसलेट किए हैं तो वो हमारे कंप्यूटर में सेव रह जाता है ताकि बाद में अगर हम चाहें तो डायरेक्टली मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम को या फिर मशीन कोड को यूज करके हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके जो भी टास्क हम परफॉर्म करना चाहते हैं कंप्यूटर में उस तरह का टास्क हम कंप्यूटर में परफॉर्म कर सकते हैं ओके okay. तो कंपाइलर जबकि पूरा टोटल प्रोग्राम को एक ही बार में क्या करता है ट्रांसलेट करता है तो कंपाइलर जो लैंग्वेज प्रोसेसर है ये एक बिगर प्रोग्राम है एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर बिकॉज कंपाइलर एक एक लैंग्वेज प्रोसेसर है जो कि टोटल प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है जिसके वजह से ये हमारे कंप्यूटर में ज्यादा से ज्यादा मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है एस कंपेयर टू इंटरप्रेटर और जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन हमारे प्रोग्राम को क्या करता है ट्रांसलेट करता है और ये परमानेंटली हमारे कंप्यूटर में सेव करके रख रखता भी नहीं है

क्योंकि कंपाइलर टोटल प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है जो कि बहुत ही फास्टर स्पीड में होता है पर इंटरप्रिटर में हम लाइन बाय लाइन करते हैं तो इंटरप्रिटर टेक्स मच मोर टाइम एज कंपेयर टू कंपाइलर ओके कंपाइलर टोटल प्रोग्राम को बहुत ही फास्टर स्पीड में ट्रांसलेट कर देता है पर इंटरप्रेटर का ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है वो ट्रांसलेशन प्रोसेस स्लो होता है तो जैसे कि अगर एग्जांपल देखें कंपाइलर और इंटरप्रेटर का जैसे कि सी प्रोग्राम में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके अगर हम कोई प्रोग्राम को लिख रहे हैं तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम को हम ट्रांसलेट करेंगे मशीन लेवल लैंग्वेज में तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज करते हैं सी कंपाइलर को ओके वैसे ही सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम भी यूज करते हैं कंपाइलर को पाइथन रबी इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम यूज करते हैं इंटरप्रिटर को और जावा एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम कंपाइलर और इंटरप्रीटर दोनों को यूज करते हैं ओके तो समझ आ गया कि लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको हम क्यों यूज करते हैं कोई हाई लेवल लैंग्वेज या फिर असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को उस प्रोग्राम को, को प्रोवाइड करके कंप्यूटर द्वारा टास्क परफॉर्म करवाने के लिए मतलब अदर लैंग्वेजेस में लिखा गया प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए मशीन लेवल लैंग्वेज में हम यूज करते हैं जिस तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर को उस तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर या फिर ट्रांसलेटर

पढ़ा तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसा कुछ और टॉपिक के बारे में आज के लिए इतना ही थैंक यू